हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। यार मेरा 2 दिन व्लॉग नहीं आया, अपलोड नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ था और आज भी अपलोड नहीं होगा क्योंकि मोबाइल में हो गया था कुछ इशू। उस दिन गुस्से से मैं अपना मोबाइल फेंक दिया था, इस वजह से मोबाइल में हो गया था ख़राबी। आप लोगों को तो पता ही है कि आईफोन में कितना ज़्यादा मसला होता है। फिर मैं गया रात को उसको सही करवाने, सही करवा कर आया परसों, फिर मोबाइल सही हो गया था। ठीक है, उस दिन मैं आधा व्लॉग बनाया था, आधा व्लॉग बनाने के बाद मोबाइल मेरा दिन में ख़राब हो गया, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बनाया। फिर उसके बाद कल मैं व्लॉग बना रहा था, दिन में अचानक से पता नहीं क्या मसला हो गया, मोबाइल में कुछ काम नहीं कर रहा था। फिर मैं गया उसके पास सही करवाने, सही करवा कर आया, वो भी हाफ़ व्लॉग बना और हाफ रह गया। इस वजह से यार 2 दिन अपलोड नहीं हुआ वीडियो। आप लोगों से मैं माजरत करता हूँ और मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे मेरी आइस कितनी स्वेलिंग हो रही है, बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं है मेरी। फिर भी मैंने बोला यार 2 दिन व्लॉग नहीं बना, आज व्लॉग बनाना लाजमी है। तो आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यार मैं सो कर तोड़ दिया हूँ, 12 बज रहा है, मैं चलता हूँ सीधा शॉप क्योंकि पापा वेट कर रहे हैं, नाश्ता वगैरह नहीं किया कुछ भी, अब चलते हैं अभी सीधा शॉप। आज सैटरडे, आज कॉलेज की छुट्टी भी है। शॉप से फारिग होकर आज आ गए हूँ, अब खाना वगैरह खाना है। फिर यार मामा बोल रही है कि तुम जाके अपना रबी अव्वल के लिए एक शलवार कमीज ले लो। तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी, आज लू वगैरह काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने अभी दोस्त को कॉल किया। दोस्त ने कहा है कि शाम में 5 बजे चलेंगे। मैंने बोला ठीक है, अब शाम में जाएंगे मार्केट, वहाँ चलेंगे अपना कपड़ा। मैं आते साथ ही शॉप से सो गया था, अभी उठा हूँ और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। अब जा रहा हूँ सीधा शॉपिंग करने, कुछ सामान लेना और शलवार कमीज़ भी लेना है मुझे कल 12 रबी अव्वल है पहनने के लिए। मामा ज़िद कर रही थी तो मैंने बोला चलो ले ही ले। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा दोस्त के पास, उसको लूँगा, फिर जाऊँगा सीधा कपड़े शपड़े लेने, और भी कुछ थोड़ी बहुत सामान है वो भी लेना है। तो अब हम लोग चलते हैं जल्दी से मार्केट। आप लोग भी व्लॉग को एंजॉय करो और लाइक कमेंट शेयर या सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। इंशाल्लाह अच्छी अच्छी व्लॉग मिलेगी। 2 दिन तक व्लॉग नहीं आया क्योंकि मैं बिज़ी था, बिज़ी के अलावा भी उस परसों में अपना दिन में मोबाइल फेंक दिया था गुस्से से, जिस वजह से मोबाइल में हो गया था ख़राबी, तो वो सही करवाया, फिर हाफ़ व्लॉग बन गया था। ठीक है, कल था फ्राइडे, कल भी हाफ व्लॉग बना, फिर दिन में कुछ मसला आ गया था, डार्क मोड पे लग गया था, उसको सही करवाने गया, टाइम लग गया उसमें भी मुझे, इस वजह से कल का भी व्लॉग ऐसे ही चले गया। तो आज का व्लॉग बना रहा हूँ, इंशाल्लाह डेली बनाते रहूँगा। आप लोग भी दुआ करें कि कोई मुश्किलात नहीं आए, आप लोगों को डेली व्लॉग मेरा मिलते रहेगा। तो अब चलते हैं हम लोग सीधा दोस्त के पास, दोस्त को कॉल कर दिया, दोस्तों बुलाया, मैं चलता हूँ दोस्त के पास। यार इधर आए, मार्केट तो बिल्कुल रश से भरा हुआ है, देखता हूँ यहाँ पसंद आता है या नहीं। हुज़ैफ़ा कलेक्शन के पास, इसके पास अगर कपड़ा पसंद नहीं आया तो कहीं और जाएंगे। दूसरी शॉप आए, यहाँ चेक करते हैं, नहीं पहनता बट मुझे यहीं से लेना पड़ेगा, देखते हैं पसंद आता है नहीं। यार अभी ये कुछ ड्रेस निकाला, कुछ पसंद ही नहीं आ रहा मुझे, चेक करता कौन सा लेना है। फाइनली कपड़ा ले लिया लेकिन बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई है यार, बहुत ज़्यादा। ट्रैफिक चेक करें, ये ट्रैफिक कैसा हो रहा है, बहुत ज़्यादा ख्वारी हुई है यार, बहुत ज़्यादा रश था आज। गए हैं हुसैनाबाद, अब यहाँ से कुछ खाएंगे, जब इतनी ख्वारी की तो कुछ खाना बनता ही। अगर आप लोग हुसैनाबाद आओ तो इनकी नली बिरयानी ज़रूर चेक करना, बहुत मज़ेदार होती है ये हुसैनाबाद की, बिल्कुल स्पेशल नली बिरयानी है। तो हम लोग यहाँ से खाएँगे अपना नली बिरयानी, चेक करो यार क्या स्पेशल बिरयानी है, और वो देख कर ही मुँह में पानी आ गया, बहुत ज़बरदस्त नली बिरयानी होती है। चेक करो यार ये हमारे भाई नली कैसे निकाल लें, और ज़बरदस्त, देख कर ही मुँह में पानी आ रहा है, क्या नली निकल रहा है इसमें से। और खाने में यार उतना ही टेस्टी होता, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है इनका बिरयानी, वो भी ख़ास तौर पर नली बिरयानी, बहुत गरम गरम है और मज़ेदार है बिल्कुल। ये कराची में कभी भी रोड खाली नहीं मिलने वाला है।
फुल जाम यार। अभी शॉपिंग करके आया हूँ मैं, तो शॉपिंग कुछ किया ही नहीं, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना कराची में, आप लोगों को पता ट्रैफिक कितना होता, और फिर मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा रश था, इस वजह से मैंने सिर्फ अपना शलवार कमीज किया और वहाँ पे अपने दोस्त के साथ चाय किया और फिर डायरेक्ट घर आ गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ही रश था, कपड़े भी पूरे मेरा उलझा भी बिल्कुल गंदा हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने खाना खाने, तो आज के लोग यही बैन करते, लाइक कैट लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, गाँव में याद रखना।